हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। और इधर देखिए एकदम जंगल जंगल पड़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है, शांत एकदम माहौल है और एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है दोस्तों। मौसम भी बहुत मस्त किया है, कूल किया है। और हम लोग जब इधर कट रहे थे उसी समय हम लोग एक दुकान से समोसा लिए थे, तो निकालिए समोसा खाइए, आप लोग भी खाइए, हमको भी खिलाइए। काहे कि एक हाथ में मोबाइल पकड़े हैं और एक हाथ में गाड़ी चला रहे हैं, तो हमको भी खिला दीजिए। साला सब साली सब गोर लग रही है, चाची को गोर लग रहे हैं। पापा है आर को ले रहे गोदी, मेरा दादाजी है और दादी बेटी भी पीड़ा है, और ये मेरा मम्मी है और चाची सब है, चाची की बेटी सब है। पकड़ा ये मेरे फुआ से गोर लग रहे, फुआ को। हम लोग सब छत आए हुए हैं, छत चढ़े हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे इस ब्लॉग चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पूरा रेडी हैं नया नया पहन के, और हम लोग जा रहे हैं आरोही के नानी घर, मतलब इसका मायके। काहे कि इसका जो है तबीयत कुछ दिन से खराब चल रहा है ना, तो दोस्तों अभी इसको पहुंचा देंगे, कुछ दिन अभी रहेगी उसके बाद आएगी। और इसके चाचा जो हैं डॉक्टर हैं, तो इलाज पानी अभी वहीं से होगा है ना, इसीलिए अभी घर में इन लोग का क्या मायके जा रहे हैं। हाँ, इसका मायके जा रहे हैं, इसका घर वाला भी बुलाया, बहुत फ़ोन कर करके इसको बुला रहे हैं कि आ जा वहीं पर और यहीं से इलाज पानी होगा क्या है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और अब देखिए दोस्तों, हम लोग रास्ते में हैं ना, निकल चुके हैं, और एकाएक देखिए अचानक से पूरा दम घनघोर अंधेरा कर दिया है और पानी टपक रहा है हल्का हल्का, और अगर जोर से पड़ गया दोस्तों पानी तो हम लोग को कहीं रुकना पड़ेगा क्या। और मौसम का देखिए हलचल इधर है, हवा थोड़ा थोड़ा चल रहा है, छोटा मोटी पानी पड़ रहा है, और हम हेलमेट भी पहन लिए हैं, और मेरा माथा तो नहीं भींग रहा है लेकिन आरोही और आरोही नदी का भींग रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर हल्का हल्का पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जोर से पड़ेगा तो हम लोग को कहीं रुकना पड़ जाएगा है ना। तो चलिए जहाँ तक चल जा पाते हैं चलते हैं ऐसा ही, और जोर से अगर पड़ेगा तो रुकना पड़ेगा क्या। हाँ तो चलिए। तो दोस्तों आप देखिए, हम लोग आधा दूर का सफर कर लिए हैं और पानी उतना खास नहीं है, बूंदा बूंदी थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है दोस्तों, और हम लोग आधा दूर का सफर किए हैं। और देखिए ये है दोस्तों कोयला नगरी है ना, देखिए ये फूसरों का कोयला है क्षेत्र है जो आप देख सकते हैं, इधर पहाड़ नजर आ रहा है दोस्तों है ना, और यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। देखिए दोस्तों इधर कोयला का पहाड़ दिख रहा है, एकदम इधर कोयला का पहाड़ है, ये सब कोयला खोद खोद के निकाला जा रहा है यहाँ से। और इधर भी है दोस्तों, हम लोग पार कर गए हैं, हम लोग अभी ऊंचाई क्षेत्र में चढ़े हुए हैं, और यहाँ भी देखिए दोस्तों कोयला का दोष जो है, यहाँ कोई गाड़ी देखिए, ये कोयला है दोस्तों, देखिए ये कोयला का गुड़ी है दोस्तों है ना। तो हम लोग अभी कोयला क्षेत्र पार कर लिए हैं, और अब हम लोग थोड़ा देर में आरोही का नानी घर पहुँच जाएंगे क्या। आरोही, आरोही बहुत खुश है, अपना नानी घर जा रही है, तो अरे किसे पूरा खुश है ना। हाँ। और ट्यूशन कौन जाएगा? हम नहीं जाएंगे। और स्कूल कौन जाएगा? नहीं, स्कूल तो छुट्टी है पर ट्यूशन तो है ना, बोलिए तो। तुम मत जाओ। हाँ? तुम मत जाओ, कल आ जाएगी ना मेरे साथ। हाँ? कल मेरे साथ आ जाएगी ना। पानी पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, जोर से कर दे, इधर रुकने का तो अभी जगह भी नहीं है। हाँ, ये बात तो एक नंबर बात बोली है कि इधर अगर पानी जोर से पड़ेगा दोस्तों तो रुकने का ऐसे जगह है नहीं, हम बचने का जगह है नहीं, क्या कि देखिए चारों तरफ कितना अच्छा है, यहाँ पे जंगल ही जंगल है, और जंगल में यहाँ पे मिलेगा कहाँ घर मिलेगा कहाँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ऐसे मौसम अभी जो इधर साफ किया है, थोड़ा सा काला बादल ऊपर में है जो हल्का हल्का बूंदा ही बूंदा गिर रहा है, लेकिन ज्यादा जोर से पानी ऐसे आने वाला नहीं है। तो चलिए फिलहाल अब चलते हैं यहाँ से। और आप देखिए दोस्तों, हम लोग मेन रोड से हम लोग कट गए हैं है ना, और
इधर देखिए एकदम जंगल जंगल पड़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है, शांत एकदम माहौल है और एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है दोस्तों। मौसम भी बहुत मस्त किया है, कूल किया है। और हम लोग जब इधर कट रहे थे उसी समय हम लोग एक दुकान से समोसा लिए थे, तो निकालिए समोसा, खाइए, आप लोग भी खाइए, हमको भी खिलाइए, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़े हैं और एक हाथ में गाड़ी चला रहे हैं, तो हमको भी खिला दीजिए। भूख भी लग गया दोस्तों, तो इसीलिए सोचा कि समोसा ले लेते हैं, और उसे था भी कुछ नहीं है। और देखिए सफर हम लोग का क्या ही मस्त हो, क्या ही सुहाना एकदम सफर चल रहा है हम लोग का। तो आप देखिए दोस्तों, हम लोग सफर का आनंद लेते हुए आ रहे हैं और अभी समोसा जस्ट हम लोग खाते हुए आ रहे थे। और देखिए एक वो ट्री यहाँ पे मिल गया, पेड़ जो काफी सुंदर, देखिए फल इसमें लगा हुआ है, देखिए ये कौन सा फल है पता नहीं, हमको तो नाम नहीं मालूम है, लेकिन बहुत ही लगा, बहुत ही फरा हुआ है, देखिए एकदम पूरा पेड़ में फरा हुआ है और उधर भी पेड़ में फरा हुआ है। तो पता नहीं, जो चीज़ नहीं जानते दोस्तों तो उसको छूना और हाथ लगाना या खाना ठीक नहीं होगा, है ना। तो चलिए जो भी होगा क्या, लेकिन बहुत ही अच्छा है क्या है। हाँ, हमको लगा क्या कुसुम, कुसुम का पेड़ बड़ा होता है, इतना छोटा नहीं होगा, देखिए छोटा पेड़ है और कुसुम ऐसा नहीं फरता है, कुसुम पूरा घोदा घोदा फरता है। तो ये पेड़ का नाम हम लोग को नहीं मालूम है, एक दादी आ रही है, इसे दादी से पूछते हैं। दादी ये कौन सी पेड़ है लाइटा, इधर कौन सी गाछ लाइटा, खाए के नहीं लाए, ये दादी बता रही है खाने का नहीं है। हम लोग तोड़ लिए एक थोड़ा सा, ये चल इसको ले चलते हैं। और देखिए दोस्तों, हम लोग जंगल का सफर अब पार कर गए हैं और ये क्या मस्त सुहाना सफर है दोस्तों जो हम लोग चल रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। और इस सफर में बहुत गुनगुनाते हुए हम आए हैं और हम लोग जब आए हैं और गुनगुनाए खाली मन करता है, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो। और देखिए दोस्तों, अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कुछ लेडीज लोग जो है बकरी उकरी चराने के लिए आए हैं, तो हमको मजबूरन गाना बंद करना पड़ा। और देखिए इधर पानी अच्छा खासा आया है, देखिए तो पूरा खेत तो भरा हुआ ही, जमीन भी भींगा हुआ इधर दोस्तों, पानी अच्छा पड़ा है देखिए। और हम लोग को रास्ता में लग रहा था पेपर से पानी बूंदा बूंदी पड़ रहा था क्या है, तो हम लोग पानी नहीं दिया, लग रहा इतने पानी दिया तब तक इधर छूट गया होगा क्या है। देखिए पूरा खेत एकदम लबालबा भर गया है और देखिए ये आधा रोड भी भींजा हुआ है, तो कुछ सूख गया है। चलिए तो आप देखिए दोस्तों, ससुराल का बस्ती बोल चुके हैं और बस्ती में हम लोग हैं और जस्ट थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे क्या। हाँ, और देखिए बस्ती का कुछ नज़ारा इस प्रकार है, यहाँ मंदिर है और देखिए एक बस्ती इधर गया, तो हम लोग को इस बस्ती में जाना है क्या। चलिए दिखाते हैं दोस्तों ससुराल का सफ़र, और अभी हम लोग जा ही रहे हैं और एक मंदिर है यहाँ पर भी बन रहा है जस्ट प्रीति का घर के सामने, मतलब मेरा ससुराल के घर के सामने, बजरंगबली के मंदिर है ना ये, जो अभी अधूरा है, बना हुआ नहीं है। और देखिए यहाँ चबूतरा है और बच्चा लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं
देखिए ससुराल, और ये देखिए मेरा छोटी छोटी साली लोग हैं। हम लोग अपना घर पहुंच गए हैं। अरे पकड़ो, पापा है आरोही को ले रहे हैं गोदी, मेरा दादाजी है और दादी बेटी भी पी रहा है, और ये मेरा मम्मी है और चाची सब है, चाची की बेटी सब है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए और आरोही भेंट भी कर ली बहुत से, और हम भी अपना ससुर जी से भेंट कर लेते हैं। भेंट करने गए हैं, सबको गोद लग रहे हैं, पापा है बैठे हुए और दादी भी है, चाची से भेंट कर रहे हैं, चाचा का बेटा सब है, साला सब, साली सब गोद लग रही है, चाची को गोद लग रहे हैं, सबको गोद लग रहे हैं। अरे मम्मी है, मम्मी से गोर लग रहा है, चाचा के घर जा रहे हैं, घर बना रहे। तो दोस्तों हम लोग तो ससुराल आए हैं अभी और जस्ट निकल गए हैं। जो डॉक्टर चाचा है वो देखिए दूसरा जगह पे घर बनाए हैं, है ना, और वो घर देखिए यहीं पर है, है ना, थोड़ा सा दूर में है। तो हम लोग यहीं पे जा रहे हैं और चाचा काम वाम लगाए हैं, तो अभी काम वाम चल रहा है उधर, और देखिए यही घर बनाए हैं, चाचा यहाँ काम में लगाए हैं। और दादी सास मेरा यहाँ बैठी हुई, हाँ दादी से गोर लग रहे दादी को, ये देखा ये डॉक्टर चाचा है तो गोर लग रहे हैं इनको। चलिए काजी काजी आ रही, चाचा अभी लग नहीं रहे डॉक्टर जैसा, चाचा अभी आप डॉक्टर जैसा नहीं लग रहा है, क्या कीजिएगा, ऑल इज गोल्ड भी होता है और ऑल भी होता है, लाइट होता है। तो चाचा आज बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी, है ना, घर बना रहे हैं अपना, इसलिए थोड़ा सा चाचा से हम मजाक कर रहे हैं। और ये आदित्य है, फुआ सास का बेटा है, ये भी पूरा काम में लगा हुआ है इधर, एक बड़ा साहब है, उस्ताद साहब, हाँ वो गिरेगा नहीं, उतरो वहाँ से, गिर जाएगा, बहुत अच्छा, बैठे बैठे। भाभी जी हैं, इनका अभी तबीयत थोड़ा सा खराब है, कैसा क्या हालचाल है? तो देखिए ये भी सिंगल चची से फिरती जैसा, इनका भी पानी चढ़ रहा है। और ये देखिए ये भाई साहब को देखिए, एकदम पूरा परात में लेके तुम बात कर रहा है, एक परात भात खा लिया और मुंह में देखिए किसा ठूस रहा है। तो चाचा जो घर बनाए नया नया, देखिए इधर एक रूम वहाँ, एक रूम इधर है और एक रूम बाहर है, और जो पीछे तरफ भी बना रहे हैं, और इधर सीढ़ी है तो ऊपर चढ़ के देखते हैं। फुआ सास मेरा ये तो यहीं पर है, पकड़ा और बड़ी मोटाई गेलो बाबू, हां बड़ी मोटाई तो लग रहा है, हां तो बड़ी मोटा मोटी है, ये मेरे फुआ से गोर लग रहे हैं, फुआ को। हम लोग सब छत आए हुए हैं, छत चढ़े हैं, ये मेरा भाभी का बेटी है, ये बहुत क्यूट है, देखो देखो करा लेते ये ले लिए गोदी ले लिए, पूरा एकदम स्माइल कर रही है, पूरा अच्छा, क्या हुआ, इधर इधर देखो, इधर देखो, आ आ करो, इधर बहुत सारा घर बना है, और देखिए रोड है साइड में, टंकी बैठा हुआ है, आजकल रोड साइड घर बनाने लगा है सब, तो दोस्तों अभी तो हम लोग सबसे भेंट कर लिए हैं ससुराल में, सभी से भेंट कर लिए, और देखिए कुछ नज़ारा ससुराल का, चारों तरफ इधर गांव का नज़ारा क्या खूबसूरत है। और देखिए यहीं पर बगल में जो है नौ प्राथमिक विद्यालय असनाटाड़ यहीं पर है,
और ये गांव कैसा लगा दोस्तों, और मेरा ससुराल कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।